आटे में सिर्फ एक चीज़ मिक्स करके आपको लगानी है और आप 15 मिनट में फेशियल हेयर को, पूरे चेहरे के अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। कैसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है और हुआ भी है, इसी वीडियो में हुआ है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। तो मैं हूँ नेहा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, इंस्टेंट अपने बालों को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं घर पर ही बहुत ही इजी वे से, बहुत ही सिंपल तरीके से। और हाँ, इससे आपके बाल तो रिमूव होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके फेशियल हेयर की जो रीग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर आपको बहुत मोटे मोटे बाल आते हैं, बहुत तीखे तीखे बाल आने लग जाते हैं, या बहुत फास्ट रीग्रोथ है, बहुत जल्दी ही स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऑल इन वन मिला के ये बहुत ही अमेजिंग मेथड होने वाला है, क्योंकि ये फेशियल हेयर को भी एक ही बार में रिमूव कर देता है, साथ ही साथ रीग्रोथ को भी स्लो डाउन कर देता है। लेकिन इसको बनाना कैसे है, हटाना कैसे है, और हफ्ते में कितनी बार लगाना है, कैसे स्टोर कर सकते हैं, और टीनएजर्स को कितनी बार लगाना चाहिए हफ्ते में या महीने, तो ये सब तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखोगे। लेकिन शुरू करने से पहले, आप सबको पता है ना मैं क्या बोलने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो वीडियो तो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने ही वाली है, तो लाइक भी जरूर कर देना। तो अभी शुरू करते हैं, लेट्स गो। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको चाहिए होगा वो है आटा। जिसकी रोटियां बनती हैं वही आपको आटा चाहिए होगा। आटा बहुत अच्छे से हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करता है, और सदियों से ये काफ़ी लंबे पुराने समय से मतलब इसका यूज़ किया जाता है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। आटा हमारी स्किन के साथ जब चिपक जाता है, तो बहुत जो बारीक बारीक से बाल होते हैं ना, वो भी हमारी स्किन से उतर जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद सेकेंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है लेमन जूस। यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब एक चम्मच के राउंड आपको लेमन जूस चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। लेमन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कई लड़कियों के मेरे को कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारी स्किन फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद, अपर लिप हेयर रिमूव करने के बाद हमारी स्किन काफ़ी काली पड़ने लगती है, वहाँ पे स्किन काफ़ी ब्लैक हो जाती है, या माउथ के अराउंड काफ़ी डार्कनेस है, तो उसको ये दूर कर देगा क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पील ऑफ मास्क। अगर जेलेटिन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पील ऑफ मास्क आप ले सकते हैं, कोई भी पील ऑफ मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपको 3 से 4 चम्मच लेनी है। फिर आपको अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। जितना आप अच्छे से मिक्स करोगे, उतना ही अच्छे से ये आपका पेस्ट रेडी हो जाएगा, और इसको आप अच्छे से मिक्स करने के बाद ही लगाइएगा। उसके बाद आपने इसको अपने क्लीन फेस के ऊपर लगाना है। बिल्कुल फेस को पहले नॉर्मल पानी के साथ धो लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। यहाँ पे मैं अपर लिप हेयर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। आप इसको फुल फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है। यहाँ पर आपको फेशियल हेयर ज़्यादा है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं अपर लिप हेयर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। आप इसको फुल फेस के ऊपर लगा सकते हैं। आप टीनएजर्स हैं, टीन एज में आपको इसका यूज़ 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। आफ्टर टीन एज आप इसको 10 दिन में एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब ही आपने इसको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा पैक अच्छे से ड्राई हो गया है। तो फिर आपने इसको हल्के हाथों से बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना है। तो इसे आपको लिटिल बिट पेन होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला, बिल्कुल थोड़ा सा होगा। जितना आप इसको टाइम लेके निकालोगे, जितना आराम से निकालोगे, उतना ही आपका जो पैक है वो अच्छे से निकल भी जाता है, और आपको पेन भी नहीं होता है, और आपके बाल भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। इसने जो है ना बारीक से जो हेयर है ना, उनको अच्छे से रिमूव कर दिया है, बहुत अच्छे से जो बाल है वो रिमूव हो गए हैं। अगर आपके काफ़ी मोटे बाल हैं अपर लिप के ऊपर या फेस के ऊपर, वो अगर आपके एक दो बार में रिमूव नहीं होते हैं इस मेथड से, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको 10 दिन में 15 दिन में दोबारा आप इसको लगा सकते हैं। तो इसे आपके 3-4 बार अगर आप इसको लगा लेते हो, तो आपको डेफिनेटली आपके जो मोटे बाल है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो आज मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही मतलब एक सिंपल सा मेथड शेयर किया है, जिसे कि हर एज वाला ट्राई कर सकता है, इवन टीनएजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एज वाला इसे ट्राई कर सकता है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, अपर लिप हेयर को रिमूव करने के लिए। होप आज की वीडियो आप सब लड़कियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।